हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज गिव रीजंस। वन, मर्क्यूरी सेल डिलीवर्स अ कांस्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो हमें रीजन बताना है कि मर्क्यूरी सेल कांस्टेंटली पोटेंशियल को सप्लाई करता रहता है टिल इट्स लाइफ टाइम, ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन टू, इन द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस डिरेक्ट करेंट इज नॉट यूज्ड। सो इन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कभी भी जो इलेक्ट्रोड्स में करंट यूज किया जाता है वो डायरेक्ट करंट यूज नहीं करते हैं, इंस्टेड एसी करंट यूज करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज, मर्क्यूरी सेल एंड डीसी करंट इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। सो पहले हम क्वेश्चन वन को सॉल्व करेंगे। यहां पे कहा गया था मर्क्यूरी सेल कांस्टेंट पोटेंशियल डिलीवर करते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। सो हम पहले समझेंगे मर्क्यूरी सेल क्या होते हैं। ये एक इलेक्ट्रो केमिकल सेल होते हैं, या इसे बैटरी भी कहा जाता है। मर्क्यूरी सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन होता है इट डज नॉट चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता। मर्क्यूरी सेल के अंदर जो सेल रिएक्शन होता है इट कंजिस्ट ऑफ ओनली सॉलिड सब्सटेंस सो यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस क्या है, इलेक्ट्रोड्स। तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोड्स में रिएक्शन होते हैं, नो मूवमेंट ऑफ आयंस या आयंस का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इसी के साथ साथ एंड इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से जो मर्क्यूरी सेल होते हैं ये नॉन रिचार्जेबल होते हैं एंड ये लंबे टाइम तक फंक्शन कर पाते हैं। इनको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आयंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जहाँ पे भी आयंस का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे हमें कंटिन्यूस सप्लाई देना पड़ता है आयंस प्रोडक्शन के लिए, लेकिन मर्क्यूरी सेल में ऐसा केस नहीं होता। इसीलिए इट डिलीवर्स कॉन्स्टेंट पोटेंशियल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। So this is the theory behind mercury cell. Now, second question में कहा गया है, in the experimental determination, मतलब electrolytic conductivity का जब हम measurement करते हैं DC current is not used, इसके पीछे क्या reason है। So DC current it stands for direct current, इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि ये कंटिन्यूअस फ्लो करते हैं। एंड इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। डीसी करंट ये हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं जैसे कि टीवी, स्मार्टफोन्स एटसेट्रा, इन सब में डीसी करंट को यूज किया जाता है। However, DC करंट को यूज नहीं किया जाता इन दी मेजरमेंट
ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी बिकॉज, पहला रीजन है इट कैन लीड टू इलेक्ट्रोलाइसिस, डीसी करंट की वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस होने का हाई रिस्क होता है इन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। एंड इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हो गया तो इससे क्या होगा, आयंस का कंसेंट्रेशन चेंज हो जाएगा इन द सॉल्यूशन एंड इससे हमारा मेजरमेंट में एरर आ सकता है। इसके साथ साथ डीसी करंट इनमें कैपेबिलिटी होता है टू पोलराइज इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स को पोलराइज करने का क्षमता डीसी करंट में होता है। यूजुअली क्यों होता है, बिकॉज डीसी करंट ये कंटिन्यूअसली फ्लो करते हैं, इसलिए जो करंट है इसमें हाई टेंडेंसी हो सकता है टू पोलराइज द इलेक्ट्रोड्स, उनका चार्ज चेंज कर सकते हैं। तो इससे भी फिर से जो मेजरमेंट है इनमें हमें एरर देखने को मिल सकता है। इसी वजह से जब भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का मेजरमेंट लेते हैं हम हमेशा एसी करंट को यूज करते हैं, नॉट द डीसी करंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।